यूक्रेन से अपने घर लौटी छात्रा व उसके परिजनों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वाराणसी की केदारनगर कॉलोनी निवासी कृतिका सिंह यूक्रेन की छात्रा हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से भारतीय छात्रों के साथ वहां के रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कृतिका के पिता ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध की स्थिति देखकर हम लोगों को बेटी की चिंता सता रही थी। हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी पहल पर पोलैंड बॉर्डर से हम लोगों को मदद मिली। वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी मदद पहुंचाई है। यूक्रेन से लौटी कृतिका सिंह ने बताया कि खारकीव में स्थिति काफी खराब है। वहां पर हर घंटे के अंदर बम धमाके हो रहे हैं। कृतिका ने बताया कि हम लोग जब बॉर्डर पार कर लिए तो बहुत अच्छी मदद मिली। कृतिका ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि उन्होंने दूसरे देश में बिना वीजा के प्रवेश करने की व्यवस्था कराई। यूक्रेन से कल लौटी, वहाँ पे बहुत खराब स्थिति है, खारकीव में स्पेशली। वहाँ दिन में 5 से 6 बार हर आधे घंटे में बॉम्बिंग हो रही है। तो किस वहाँ पे जो छात्र रह रहे हैं, आप जैसे लोगों को कैसे मदद मिल रही, किस आप बॉर्डर से निकली हैं? मैं पोलैंड बॉर्डर से निकली हूँ, पर पोलैंड बॉर्डर तक किसी भी वेस्टर्न साइड में किसी भी बॉर्डर पे जाने के लिए हमें खुद से एम्बेसी ने कहा, खुद से जाने के लिए यूक्रेन एम्बेसी ने। बट कीव से जो स्टूडेंट गए हैं उनको एम्बेसी लेके गई, बट खारकीव से जो स्टूडेंट गए वो खुद ही गए। तो किस तरह का स्थिति है, जैसे और कितना डर था, कितने किलोमीटर दूर पे था बॉर्डर आपका? बॉर्डर 1300 किलोमीटर दूर था। तो कैसे गई हूँ वहाँ पे और किस कौन कौन मदद की आपको जाने में? वहाँ से हम हॉस्टल से हम लोग खुद ही गए थे। वहाँ से 10 किलोमीटर स्टेशन तक चल के गए थे। रास्ते में मिसाइल वगैरह गिर रही थी, फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेन में भी इंडियन स्टूडेंट को चढ़ने नहीं दे रहे थे वहाँ के गार्ड्स। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने $100-200 पे किया और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी चढ़ गए। फिर वहाँ से लवीव से कैब या बस करके हम बॉर्डर तक गए। तो रास्ते में किसी प्रकार का डर आपको लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बमबारी हो रही थी, युद्ध की स्थिति बनी थी, बहुत डर लग रहा था कब बम गिर रहा है हमारे ऊपर। तो आपके लिए एक तिरंगा सहारा भी बना था, लोग कह रहे थे बॉर्डर पे भी और रास्ते पे भी, जो लोकल लोग थे वो लोग भी देख के इंडियन फ्लैग को सल्यूट कर रहे थे। वहाँ फ्लैग लेके हम निकले थे, हर एक के पॉकेट में, हर एक के फोन में था फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग के सारा जो बताया जा रहा है कि अन्य कंट्री के लोग भी इसी को इस्तेमाल कर रहे थे अपने बचने के लिए, तो कितना सही बताया जा रहा है? हाँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी लेके गए थे इंडियन फ्लैग बस में लगा के, जो अदर बॉर्डर गए थे पोलैंड के अलावा। तो रास्ते में जैसे आप लोग युद्ध की स्थिति बनी थी, तो कितना दिन टेम्परेचर वहाँ का क्या स्थिति था और आप लोगों की स्थिति कैसी थी? बंकर में तो उतना टेम्परेचर नहीं पता लग रहा था, बट जब रास्ते में थे बॉर्डर पे -5 -4 ऐसे टेम्परेचर था। और वहाँ पे हम इंडियन टाइम से रात के 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक, और कई कई स्टूडेंट्स 15 घंटे भी खड़े थे, 16 घंटे भी। तो आप कितने घंटे खड़ी थी? मैं 12 घंटे खड़ी थी। और वहाँ पे जब इंडियंस आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ यूक्रेनियन सोल्जर्स अपनी गन अनलॉक करते रहे। बॉर्डर पार की तो वहाँ के बाद आपको कैसी मदद मिली और घर कैसे आए? बॉर्डर पार करने के बाद बहुत अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पे। जो एम्बेसी ने होटल बुक किया था वो भी बहुत अच्छा था।